good morning pkg class say good morning to ma'am how are you all say i am fine thank you ma'am when ma'am will ask you how are you all what do you have to say you have to say i am fine thank you ma'am very good सो पी के जी क्लास एम योर क्लास टीचर मिसिज नेहा शर्मा एंड एज यू नो अवर एग्जाम इज गोइंग ऑन पता है ना आपको अभी हमारे क्या चल रहे हैं एग्जाम चल रहे हैं एंड टूडे वी विल रिवाइज अवर इंग्लिश एग्जाम वर्कशीट ओके Today, I am going to teach you about English exam worksheet. How to do your English exam worksheet. Okay. So, take out your Twinkling Star Alphabet Capital Letter Book. Okay. Take out your Twinkling Star Alphabet Capital Letter Book and open your. Now, open your page number 26 26 which page number you have to open open your page number 26 26 yes now look at these pages how many pictures are there lots of pictures are there and now look at this very carefully very carefully fun with letter today our topic is fun with letters hame kya karna hai hame letters ke sath fun karna hai like dekho yahan pe kitni sari pictures di hui hai कितनी सारी pictures दी हुई है ना आपको क्या करवाया है practice करवाई है ना मैम ने जैसे कोई लेटर यहाँ पे दिया हुआ है अल्फाबेट है तो आपको क्या करना है जो फर्स्ट लेटर होता है पिक्चर का फर्स्ट लेटर लाइक अभी मैम मैम आपको समझाती है दोबारा से टिक द पिक्चर डैट बिगन विद द गिवन लेटर आपको उस पिक्चर पे टिक करना है डैट बिगिन मतलब स्टार्ट होता है गिवन लेटर से ठीक है वो वाली पिक्चर को टिक करना है जो जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो आ, उस पिक्चर से स्टार्ट होता है ठीक है लेटर से ओ सॉरी उस लेटर से स्टार्ट होता है लाइक आपको मैं ध्यान से समझाती हूँ लाइक यहाँ पे विच एल्फाबैट इज इज टेल मी विच एल्फाबेट इज दिस दिस इज डी डी दिस इज डी ओके नाउ हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर आर थ्री पिक्चर्स ये वाली लाइन को आपको देखना है फर्स्ट लाइन को ओके okay? तो आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन सी पिक्चर दी हुई है डॉग दिया हुआ है ये कौन सी पिक्चर है डॉग ये क्या है कीवी के फो कीवी एंड दिस वन दिस वन एफ ओ फिश एफ ओ फिश सो so, आपको कौन सी पिक्चर पे टिक करना है क्योंकि यहां पे तो अल्फाबेट कौन सा दिया हुआ है डी देयर इज अल्फाबेट ऑफ डी सो के फॉर कीवी नो डी फॉर कीवी नो एंड एफ फॉर फिश और डी फॉर फिश नो देयर इज अ डी फॉर डॉग ओके जिस अल्फाबेट से फर्स्ट लेट दिस अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर से आपकी पिक्चर का शो होती है जैसे डी फोर डॉग ये क्या है डी फोर डॉग तो आपको क्या करना है डॉग के आगे टिक करना है दिस वन इज अ राइट पिक्चर कौन सी राइट पिक्चर पे आपने क्लिक किया है टिक किया है डॉग पे क्योंकि डी फोर की भी नहीं होता डी फोर फिश नहीं होता डी फोर क्या होता है डॉग नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट अल्फाबेट Which alphabet is this? Which alphabet is this? This is alphabet B. B. B for ball. B for beer. And B for and B for bird. Now look at these pictures. Ah pictures ke name batao. Which one is this? Apple, bird, and deer. तो आपको कहाँ पे टिक करना है बीफो एप्पल नो बीफोर डियर नो बिफोर बर्ड बीफो बर्ड नाउ टिक दिस कॉलम टिक इन दिस कॉलम ओके नाउ टर्न आउट नेक्स्ट पिक्चर अच्छा सबसे पहले हम पिक्चर देखते हैं ओके विच वन इज इज दिस इज फ्लावर दिस इज फ्लावर एंड दिस वन इज एरोप्लेन एरोप्लेन एंड दिस वन इज गिफ्ट गिफ्ट नाओ लुक एट दिस अल्फाबेट आप मुझे बताओ कौन से अल्फाबेट पर आप कौन से पिक्चर पे आप टिक करोगे ए फोर फ्लॉप नो ए फो एरोप्लेन यस हमें क्या करना है ए फो एरोप्लेन पर टिक करना है क्योंकि ए फो क्या होता है एरोप्लेन ओके नाओ Next one is, next one is H, H. This one is H, H four jam no, H four leaf no. Yes, what is this H four hen? Ma'am, I class give you in class. H four hen, H four Hat. H four hen. Now take. In this right picture. Okay. Now next one is F. F. Is alphabet cookable? F F for lemon. No. This one is lemon. And this one is egg. E for egg. L for lemon. E for egg. And F for frog. F for frog. F for frog. Now. टिकस लेटर ओके सॉरी पिक्चर नाउ विच अल्फाबेट इज दिस दिस इज सी दिस इज सी सी फो सी फो टोटोज नो सी फो डार्क नो ये क्या है ये क्या है आपकी फेवरेट ट सीफो क्या होता है कैट तो हम कहाँ पे टिक करेंगे बेटा सीफो कैट पे टिक करेंगे हम कहाँ पे टिक करेंगे सीफो कैट पे टिक करेंगे नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट अल्फाबेट इज जी जी जीफो बॉल जीफो ब्रेड जीफो ग्रेप्स क्या मैंने ठीक बोला जी फॉर बॉल होता है नो बी फॉर बॉल होता है जी फॉर ब्रेड होती है नो बी फॉर ब्रेड होती है या फिर ये क्या है जी फॉर ग्रेप्स होता है यस दिस इज अ जी फॉर ग्रेप्स दिस इज अ जी फॉर ग्रेप्स वेरी गुड नाउ नेक्स्ट वन विच अल्फाबेट इज दिस ई विच अल्फाबेट इज दिस ई

फन विद लेटर्स मतलब लेटर्स के साथ फन किया कैसे फन किया आपने राइट right पिक्चर पर टिक किया ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पिक्चर्स दिए जाएंगी एल्फ़ाबेट दिए जाएंगे उसके आगे आपको टिक लगाना है विच वन इज़ द राइट पिक्चर ठीक है नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है लेट्स हेल्प जिमी टू मैच ईच पिक्चर विद इट्स बिगनिंग लेटर ठीक है ये जो जिमी दे रखा है जिमी इसका नाम क्या है जिमी जिमी की हेल्प करो अल्फाबेट राइट अल्फाबेट के साथ उसको मैच करने का देखो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कौन सी कौन सी पिक्चर है एलिफेंट है एप्पल है केक है डॉल्फिन है एंड हॉर्स है ठीक है तो यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है आपको अल्फाबेट से सही पिक्चर्स के साथ मैच करना है लाइक like, एफो क्या होता है एफो ये क्या है ए ए क्या होता है एप्पल तो आपको ए से एप्पल तक लाइन कनेक्ट द लाइन ए टू एप्पल ओके ए फो एप्पल ए ओ एप्पल

नाउ नेक्स्ट लेटर इज एच एच इसको क्या बोलते हैं एच एच ओ क्या होता है एच ओ केक एच ओ केक होता है नो एच ओ हॉर्स एच ओ हॉर्स एच ओ हॉर्स देखो ये क्या है एच ओ हॉर्स नाउ नेक्स्ट लेटर इज ई ई नेक्स्ट लेटर इज Now, next letter is E. E for, E for, E for elephant. Now join the E with elephant like this. Very good. Now, last letter is C. Last letter is C. C for, C for cake. C for cake. Okay. So, ओके okay. सबसे पहले हमने क्या किया फ़न विद लेटर्स किया अल्फाबेट के आगे जो भी पिक्चर्स थी उनको टिक किया राइट right पिक्चर में एंड सेकेंड वन में क्या किया राइट right अल्फाबेट के साथ राइट right पिक्चर को जॉइन किया अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है लेट्स हेल्प जिमी टू कलर ऑल द फिश विद लेटर एफ ओके जो भी इसमें लेटर एफ है फिश में आपको उसे कलर करना है क्या हम इसमें कलर करें विच लेटर इज दिस नो दिस इज ए विच लेटर इज दिस दिस इज एच एंड विच लेटर इज दिस दिस इज सी सो हमें किस में कलर करना है जिमी ने किस में कलर करने को बोला है लेटर एफ में दिस इज लेटर एफ एंड दिस इज लेटर एफ सो वी कैन कलर इन दिस फिश ओके आपको क्या करना है फिश में कलर करना है ओके okay. लाइक like जो एफ एफ वाली फिश है आपको क्या करना है एफ वाली फिश में कलर करना है ताकि हमें पता चले कि आपने एफ वाली फिश में कलर किया है ऊपर क्या लिखा हुआ है अल्फाबेट एफ के फिश में ओके ओके दिस, सो स्टूडेंट दिस इज योर वर्कशीट आपको ऐसे ही वर्कशीट में प्रैक्टिस करनी है ठीक है घर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से एग्ज़ाम कर पाओ ओके okay? जैसे मैम ने आपको सिखाया है ना टिक द राइट पिक्चर एंड जॉइन द राइट पिक्चर विद अल्फाबेट एंड कलर द ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है नाउ प्रैक्टिस योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम नाउ से बाय बाय